सभी छात्र ध्यान दें, आज के लेक्चर में जिन प्याजे पर चर्चा की जाएगी, जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उस पर वैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्याख्या जो है की जाएगी। इसके पहले हम आप लोगों को पुनः यह बताना चाह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान की यह जो पुस्तक है आप लोगों के द्वारा सर्वाधिक पठनीय बना है और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। सभी पाठकगण को धन्यवाद। आप लोगों के सामने एक किताब और रखी गई है, ओमासीत के माध्यम से अध्यवार हिंदी की व्याख्या की गई है। हिंदी के सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है, टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट एवं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ। इसके अतिरिक्त जो है आपका खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीएसआई का संपूर्ण हब इसमें अध्यवार दिया गया है। ओमर सीट के द्वारा इसमें व्याख्या की, ओमर सीट के द्वारा आप इसका उत्तर देंगे और अंत में उत्तर भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 400 ग्रंथों का संकलन किया गया इस पुस्तक में, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में संयुक्त जो है, यानी कह सकते हैं कंबाइंड प्रश्न पत्र दिए गए 6 सेट में। इन 6 सेटों में आपको जो है 60 प्रश्नों का प्रश्नावली बनाई गई है, उसका भी आपको जो है भविष्य आगामी प्रतियोगी परीक्षा को देखते हुए चुनिंदा प्रश्नों का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें नाटक कहानी उपन्यास की भी चर्चा की गई है और यह जो है इसके पीछे साइड में संपूर्ण वेदों की चर्चा की गई है, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद, उनके उपवेद, वेदांग की चर्चा की गई है और संप्रदायों की चर्चा की गई है, जैसे अद्वैतवाद है पिता शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, अद्वैत वल्लभाचार्य, भेदाभेदात्मक चैतन्य महाप्रभु और हमें खुसरो के बारे में चर्चा की गई है। आप लोगों को बहुत आसानी से हिंदी के लगभग सभी प्रश्न मिल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को जिन आप लोगों के सामने जिन प्याजे पर चर्चा की जाएगी, ध्यान दीजिए जिन प्याजे पर ठीक इसके पहले का जो वीडियो बना है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा को बनाया गया है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का आधारभूत या आधार क्या है। आज आपके सामने जिन प्याजे के उन सिद्धांतों का जो उन्होंने 4 खंडों में दिया है उनकी चर्चा की जाएगी। ध्यान दीजिए, जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले, जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे, ये प्रश्न आ चुका है। जिन प्याजे मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे और जिन प्याजे 1920-22 में अल्फ्रेड वीने द्वारा स्थापित फ्रांस में बुद्धि परीक्षण में कार्य भी किए थे और वहीं पर जो है, इसको ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, 1920 से लेकर 22 तक जिन प्याजे अल्फ्रेड वीने द्वारा स्थापित फ्रांस में बुद्धि परीक्षण में कार्य भी किए थे और वहीं पर वे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले वह अपने सिद्धांत को देने के लिए अपने बच्चों पर ही परीक्षण करते हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वे सबसे पहले संगठन की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं और संगठन के बाद अनुकूलन की बात करते हैं,
अनुकूलन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, संगठन और अनुकूलन क्या है इसको आप जानें समझें। ध्यान दीजिए, जो संगठन है, जो अनुकूलन है, वह निगमन आगमन से प्रभावित है। इसके पहले के वीडियो में हम चर्चा किए थे कि संवेदना क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यय का निर्माण क्या है, अवलोकन क्या है, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, अधिगम, ये जो है कंसेप्ट जो है वह हम चर्चा किए थे, जिसमें निगमन और आगमन का समन्वय है। जिन प्याजे वहीं से प्रभावित हैं, जिन प्याजे स्पष्ट जो है कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह जो है बौद्धिक जो है संक्रिया करता है, ध्यान दीजिए, बौद्धिक संक्रिया करता है, निष्क्रिय होकर के वह किसी वस्तु को नहीं समझता बल्कि सक्रिय होकर समझता है, ऐसा जिन प्याजे का मत है। लेकिन ब्रिटिश अनुभववादी विचारक जान लॉक अपनी पुस्तक एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क पूरे कागज या सफेद स्लेट के समान होता है, पूरे कागज या सफेद स्लेट के समान होता है, उसमें बाह्य जगत की किसी भी प्रकार की कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं होती। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक और विचारकों की अवधारणा है। आप ध्यान दीजिए, काल चक्र के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार जिस तरह से मनोविज्ञान अपने विषय को छोड़ता गया, उसी तरह से मनोविज्ञान में ज्ञान का विकास भी होता गया। पहले कुछ अध्ययन होता था, अब स्पष्ट रूप से सक्रिय रूप में मानव के व्यवहार बिहेवियर का अध्ययन होता है और शिक्षा में मनोविज्ञान का सर्वाधिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, जिन प्यादे स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि बच्चा जो है पहले बाह्य जगत की संवेदनाओं को संगठित करता है, वही आपका जो है संगठन की बात है, संगठित करता है, जब वह संगठन करने में असफल होता है वह अनुकूलन करता है, वह अनुकूलन करता है। अनुकूलन में दो कंसेप्ट बताते हैं जिन प्यादे, अनुकूलन में दो अवधारणा देते हैं, एक आत्मसातीकरण है, आत्मसातीकरण है, और दूसरा है समाविष्टीकरण, समाविष्टीकरण है या समावेशन है। ध्यान दीजिए, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण दो बात होती है। संगठन के बाद जिन प्याजे का मत है कि बच्चा अनुकूलन करता है, तो अनुकूलन के अंतर्गत जिन प्याजे आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण की बात करते हैं, आत्मसातीकरण से तात्पर्य क्या, ध्यान दीजिए, जिन प्याजे का मत है कि बच्चा के मानस पटल पर पूर्व में जो ज्ञान है उस ज्ञान में प्राप्त बाह्य जगत के अनुभवों को आत्मसातीकरण करता है और उसमें स्थापित करता है, पूर्व ज्ञान में उसको आत्मसातीकरण करता है। जब वो आत्मसातीकरण उसको कठिनाई का आभास होता है, बच्चे को संवेदना होती है, फीलिंग होती है, तब वह समावेशन करता है या समाविष्टीकरण करता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, तात्पर्य है कि अनुकूलन में बच्चा आत्मसातीकरण करता है, आत्मसातीकरण में पूर्व ज्ञान में, पूर्व अनुभवों में
बाह्य जगत की जो संवेदनाएं ज्ञान के रूप में स्थापित होती हैं उसमें वह आत्मसात्त्वीकरण करता है। जब वह आत्मसात्त्वीकरण असफल होता है तब वह समाविष्टीकरण करता है या समावेशन करता है। आत्मसात्त्वीकरण से तात्पर्य है समान प्रत्ययों को मिलाने की बात करो। समान प्रत्ययों को मिलाने की बात कही गई। अब ध्यान दीजिए समाविष्टीकरण या समावेशन में क्या होता है। तो जो समान प्रत्यय है उनको आत्मसात्त्वीकरण रखा जाता है और जब समान प्रत्ययकरण के अतिरिक्त जो ज्ञान होता है वही आपका समाविष्टीकरण है या समावेशन है। इसको आप ऐसे समझें हम अपनी पुस्तक बाल मनोविज्ञान में लिखे हैं इसको कि बच्चा जो है प्रारंभ में काला या कह सकते लाल कुटिया के बच्चे को देखता है उसके पास जो है चार पैर ध्यान दीजिएगा चार पैर दो आँख और दो कान एक पूंछ का प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रारंभ में बच्चा के समाविष्टीकरण या समावेशन क्या है आपको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए प्रारंभ में बच्चा लाल जो है कुटिया के बच्चे को देखता है। शर्त क्या है लाल है कुटिया का बच्चा है उसके पास जो है चार पैर दो आँख दो कान एक पूंछ आपका जो है एक पूंछ चार कंसेप्ट है और एक जो है पांचवें नंबर पर लाल शर्त है। ध्यान दीजिएगा स्पष्ट हो जाएगा कि जिन प्याजे अपने सिद्धांत में किसको नवीन ज्ञान की खोज करते हैं या नवीन ज्ञान की खोज की अवस्था किसे कहते हैं स्टेट में यूपी स्टेट में अदर स्टेट में होने वाले टेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वे किसको नवीन ज्ञान की अवस्था कहते हैं तो समाविष्टीकरण को या समावेशन को नवीन ज्ञान की अवस्था कहते हैं। प्रारंभ में बच्चा अपने पिता के माध्यम से लाल कुटिया के बच्चे को देखता है जिसके पास चार पैर आपका जो है दो आँख दो कान एक पूंछ कब प्रत्यक्षीकरण देखिए संवेदना है प्रत्यक्षीकरण निगमन और आगमन की बात हर जगह है पूरे एजुकेशन में पूरे शिक्षा जगत में पूरे ज्ञान में आगमन की बात कही गई। बच्चा छोटा है और उसको प्रत्यक्षीकरण हो रहा है पिता के माध्यम से उसको जानकारी दी जा रही है कि यह इसका बच्चा है। ठीक कुछ दिन बाद वह लाल बकरी के बच्चे को देखता है तो उसके पास भी चार पैर दो आँख दो कान और एक पूंछ देखता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये बकरी है लाल कलर की है ये कुटिया का बच्चा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी छात्र इस पर बारीकी पर ध्यान दें पिता के माध्यम से उस बच्चे को एक लाल कुटिया का बच्चा का ज्ञान होता है और वह जो है उसमें चार पैर दो आँख
दो कान एक पूंछ का प्रत्यक्षीकरण हो रहा। ठीक दो चार माह बाद वह बच्चा के सामने लाल बकरी का बच्चा दिखाई दिया, जिसके पास भी चार पैर दो आँख दो कान एक पूंछ का प्रत्यक्षीकरण हो रहा। सभी जो है सीटेट एवं टेट के प्रतियोगी छात्र, यह कंसेप्ट पर प्रश्न बनता है और धारणा पर प्रश्न बनता है, इसको समझे। ये भी चार है, यह भी चार है, दो आँख दो आँख दो कान एक पूंछ पिता के द्वारा, ध्यान दीजिए, पिता के द्वारा बच्चे को जो लाल कुतिया का बच्चा दिखाया गया, जिसके पास चार पैर दो आँख दो कान एक पूंछ का प्रत्यक्षीकरण जो हुआ है, वह पूर्व ज्ञान है, वह पूर्व ज्ञान है। और उसके बाद जब उसको बाह्य जगत से पुनः इसी तरह का प्रत्यय का ज्ञान होता है, तो समान प्रत्ययों को मिलाता है, समान प्रत्ययों को मिलाता है, चार पैर दो आँख एक पूंछ दो कान लाल और लाल के कंसेप्ट को मिलाता है। ये आत्मसातीकरण है। क्या है? सभी छात्र ध्यान दीजिए, ये आत्मसातीकरण है। लेकिन समाविष्टीकरण अभी नहीं हुआ, समाविष्टीकरण या समावेशन अभी नहीं हुआ। समाविष्टीकरण और समावेशन कब होगा? जब वह जो है यह देखता है बच्चा कि कुतिया का बच्चा भों भों कर रहा है और बकरी का बच्चा मीमी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे के मानस पटल पर आवाज में अंतर होता है, बच्चे के मानस पटल पर आवाज में अंतर होता है। तो जो आवाज है, जो साउंड है, वह नवीन ज्ञान है। इसी आधार पर कहा जाता है कि वह समान प्रत्ययों को जब बच्चा मिलाता है तो वह जो है आत्मसातीकरण हुआ। और जब उसमें भेद होता है, जो अंतर करना सीख लेता है, तो वह समावेशन है या समाविष्टीकरण। इसका मतलब हुआ कि जीव प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नवीन ज्ञान की अवस्था किसको कहेंगे? समाविष्टीकरण को या समावेशन। प्रश्न फिर बन सकता है कि समावेशन या समाविष्टीकरण में अंतर क्या करता है? तो आवाज, आवाज क्या है? नवीन ज्ञान। हम अपनी पुस्तक में बाल मनोविज्ञान में हम कंसेप्ट दिए हैं एक आत्मसातीकरण के लिए। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मनोविज्ञान का जन्मस्थली कौन सा है? दर्शन शास्त्र है। और दर्शन शास्त्र में सभी छात्र ध्यान दीजिए, दर्शन शास्त्र में आपको जो है एक आपको अध्याय का चैप्टर है, उसका नाम है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, शब्द होता है, उपमान होता है, यानी जो है न्याय दर्शन है। भारतीय दर्शन टोटल 9 संप्रदाय है। जैसे चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन के पिता बृहस्पति हैं, जैन दर्शन के पिता महावीर स्वामी हैं, बौद्ध दर्शन के पिता महात्मा बुद्ध हैं, सांख्य दर्शन के पिता महर्षि कपिल हैं, योग दर्शन के पिता महर्षि पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के पिता जो है आपका गौतम ऋषि हैं, उसके बाद वैशेषिक दर्शन के पिता महर्षि कणाद हैं, अद्वैतवाद के पिता शंकराचार्य हैं, विशिष्टाद्वैत के पिता रामानुजाचार हैं, आगे चल करके और संप्रदाय बनता है। लेकिन चार्वाक जैन बौद्ध को छोड़ दीजिए, उनको खट दर्शन कहा जाता है। और खट दर्शन में न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के पिता गौतम ऋषि हैं, और गौतम ऋषि स्पष्ट करते हैं प्रमाण सिद्धांत में कि आप जो है गाय को देखते हैं, आज जंगल में नील गाय देखते हैं, तो कहते हैं कि जो नील गाय वही गाय है, जो नील गाय को देखते हैं वही गाय कहते हैं। यानी आपके मानस पटल पर गाय का कंसेप्ट है, गाय को देखे हैं। सभी छात्र प्रतियोगी छात्र ध्यान से सुने, आप व्यवहारिक जगत में गाय को देखे, जंगल में गए तो नील गाय देखे,
जब नीलगाय देखते हैं तो आप सात्विकरण करना चाहते हैं कि यह भी जो है गाय है, लेकिन बाद में आपको समाविष्टिकरण के द्वारा ज्ञान होता है कि नहीं यह नीलगाय। तो गाय में नीलगाय का जो कंसेप्ट देख रहे हो वो आत्मसात्विकरण है, लेकिन जो अंतर करना जान जाते हैं वही समाविष्टिकरण। हम तुलनात्मक लिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन प्याजे कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से, न्याय दर्शन से प्रभावित हैं। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है वो नवीन ज्ञान हुआ किस दृष्टिकोण से, बकरी और कुत्ते के बच्चे की आवाज में बच्चा अंतर करता है, और जब अंतर करता है तो उसको ज्ञान होता है। अब आगे देखें, जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, यह जो है आप सभी छात्र ध्यान दें, सरल से जटिल की है, सरल से जटिल की है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी जो है अध्यापक वर्ग को क्या चाहिए कि पहले बच्चे को समझाने के लिए सरल माध्यम का प्रयोग करना चाहिए, सरल प्रश्नों से जो है आपका यह सरल अध्याय से अध्याय कक्षा को प्रारंभ करना चाहिए, बाद में जो है जटिल प्रश्नों या जटिल अध्याय से शुरू करना चाहिए। जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संगठन है, अनुकूलन है, अनुकूलन के बाद आत्मसात्विकरण है, और उसके बाद आपका समाविष्टिकरण या समावेशन। अब आगे आप देखें, जिन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार खंडों में विभाजित करते हैं, संवेदनात्मक कामक अवस्था, संवेदनात्मक कामक अवस्था है, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा है आंत प्रज्ञा, चौथा औपचारिक अवस्था है। ध्यान दीजिए, जिन प्याजे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दो खंडों में बांटते हैं, एक पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरा है आंत प्रज्ञा। अब आप ऐसे दिमाग में कंसेप्ट बनाए कि यहाँ जो है सरल लिखे, यहाँ जटिल लिखे, ये चीज है। अब यहाँ पर जो है संवेदनात्मक कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष है, और ये 2 से 7 वर्ष है, और ये 7 से 11 है, और ये 11 से 18 है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था का समय काल 2 से 4 है, और इसका समय काल 4 से 7 है। इस बोर्ड पर फिर से ध्यान दीजिए सभी छात्र, जिन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह सरल से जटिल की ओर है, स्पष्ट हो जाना चाहिए, वह सरल से जटिल की ओर है, सरल से जटिल की ओर है। जिन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार सिद्धांतों के द्वारा, चार अवयवों के द्वारा, तत्वों के द्वारा,
व्याख्या करना चाहते हैं। इसके पहले वे जो है अपने सिद्धांत को देने के पहले संगठन की बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं। अनुकूलन से दो कंसेप्ट निकलता है, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समाविष्टीकरण या समावेश। अब ध्यान दीजिए, जिन पे आगे अपने सिद्धांत को चार खंडों में विभाजित किए, पहला है संवेदनात्मक कामक अवस्था। संवेदना, संवेदना किसको हो रही है? इंद्रिय जगत को हो रही है। और जो है आपको बताया गया है ठीक पिछले वीडियो में कि ज्ञान बनने के लिए निगमन और आगमन दोनों का होना आवश्यक है। ज्ञान बनने के लिए निगमन और आगमन दोनों का होना आवश्यक है। सबसे पहले क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, संवेदना हो रही है, प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। तो जो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का संबंध है इंद्रिय जगत से है, इंद्रिय जगत से है। तो देखिए, इसीलिए जिन प्यादे आप लोग के सामने हम इसके ठीक पहले का जो वीडियो बनाए हैं उसमें स्पष्ट बताए हैं कि ज्ञान बनने के लिए जो निगमन और आगमन की अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले संवेदना हो रही है, तब प्रत्यक्षीकरण जो भी हो रहा है उसमें संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? इंद्रिय जगत से। और भारतीय दर्शन में आपको पांच इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन, टोटल 11 इंद्रियों की चर्चा की गई। संपूर्ण जो शरीर है वह जो है 25 तत्वों से बना है, 26वां तत्व परमात्मा है। अब परमात्मा निर्गुण है, निष्प्रपंच है, नित्य है, कूटस्थ है, परिणामी है, स्वयंभू है, अपरिवर्तनशील है, अनमुट मुबार है, रहस्य अनुभूत विद्या है। ध्यान दीजिए, तो जिन प्यारे कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी से प्रभावित हैं, जिन प्यारे जो है अपनी अवस्था में अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे पहले किसको रखते हैं? संवेदनात्मक कामक अवस्था। असंवेदना, अब ध्यान दीजिए, बच्चा का जो ड्यूरेशन होता है माता के गर्भ में, बच्चा 9-10 दिन तक रहता है। उसके बाद जैसे ही बाह्य जगत में आता है तो उसको संवेदना होती है। सबसे पहले प्रकाश की संवेदना होती है, आवाज की संवेदना होती है, नाना प्रकार के उसके दिमाग में संवेदनाओं का प्रवेश होता है। और वह संवेदन, इसीलिए उन्होंने क्या नाम रखा अपनी अवस्था का? संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष। ध्यान दीजिए, जिन पे आगे इस अवस्था में स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि बच्चा बाह्य जगत की वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, बाह्य जगत की वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, मुंह से दाबना चाहता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ तक उल्लेख करते हैं कि बच्चा जो है जब 1.5 वर्ष का हो जाता है तो किसी कार्य को करने से पहले सोचता है। बच्चा जो है किसी कार्य को करने से पहले सोचता है। देखिए, जिन प्याजे का जो अवधारणा है वह जो है कहीं ना कहीं लाख से भी प्रभावित है। लाख को नहीं मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लाख को मानते हैं। जो लाख अपनी पुस्तक कैसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इस बात का उल्लेख करते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मानस पटल कोरे कागज या सफेद स्लेट के समान होता है। बाह्य जगत की इंद्रियों, बाह्य जगत के संवेदनाओं के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन प्याजे भी इस बात को स्वीकार करते हैं रूप बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, तो जिन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को करते हैं कि 1.5 वर्ष का बच्चा किसी कार्य को करने से पहले सोचता है। अब ध्यान दीजिए, यही नहीं बल्कि जिन प्याजे अभी उल्लेख करते हैं कि वह बाहर है, वह जो है वस्तुओं को, जिस वस्तु को वह देखता नहीं है, प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, उसके उसके लिए भी वह रिस्पांस करता है। क्या करता है? रिस्पांस करता है। रिस्पांस से तत्पर क्या है? अनुक्रिया करता है। यानी जिस वस्तु को वह देखता नहीं, दृष्टिकोण
गोचर नहीं होता है, उसके प्रति भी वह रिस्पांस करता है। रिस्पांस से तात्पर्य अनुक्रिया से, जैसे आप रिस्पांस अनुक्रिया उद्दीपक ये सब दावली खाएंगे अधिगम में, जैसे आर्यस बांध रिस्पांस है, यश से तात्पर्य क्या है स्टिमुलस। चर्चा जब हम लोग करेंगे अधिगम में तो वहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो जिन प्याजे यह कहते हैं कि जिस वस्तु को वह जानता नहीं है, प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो रहा है, उसके प्रति भी वह अनुक्रिया करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को वस्तु अस्थायित्व का सिद्धांत कहते हैं। सीटेट का प्रश्न है, सभी प्रतियोगी छात्र ध्यान दीजिए, यह सीटेट का प्रश्न है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व से प्रभावित है। अब वस्तु अस्थायित्व तात्पर्य क्या है, जो वस्तु को वह देखता नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता, उस वस्तु के प्रति भी रिस्पांस करता अनुक्रिया करता है। स्पष्ट हो गया ना। तो जिन प्याजे का पहला पॉइंट क्या बना, संवेदनात्मक अगामक अवस्था, इसको संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं।